दोस्तों, किसी भी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी वीडियो हो, अगर उसमें साउंड क्लियरिटी या फिर ऑडियो क्लियरिटी अच्छी नहीं होगी तो उस वीडियो को अच्छा नहीं माना जाता है, कोई भी उसको देखना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बोया का BY-M1 माइक, जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए बोया का BY-M1 माइक। तो इसकी आपको फुल अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको कितना इसका प्राइस है एंड कहां से आप परचेज कर सकते हैं, तो कौन कौन सी इसकी स्पेसिफिकेशन है, तो सारा कुछ आपको मैं वीडियो के एंड तक आपको सारा कुछ बता दूंगा एंड लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको मैं जरूर इसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहां पे मिलती रहेंगी एंड साथ में ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं बोया का M1 लेवलियर माइक्रोफोन आपके सामने है, कॉलर माइक। यहाँ पर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं BY-M1 एंड इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कॉम्पैटिबल विद, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, जैसे मोबाइल में भी हो सकता है, फिर लैपटॉप कैमरे में सभी में हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर स्मार्टफोन्स, कैमकॉर्डर्स, DSLR, ऑटो रिकॉर्डर्स, PC, सभी में ये आपका काम कर जाएगा। एंड यहाँ से आप इसको स्कैन करके इसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हो, ओरिजिनल है या फिर फेक है। एंड यहाँ पे आप इसकी फुल डिटेल पढ़ सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके भी सारी डिटेल इसमें पढ़ सकते हो, जो भी फीचर है, स्पेसिफिकेशन है एंड यहाँ पे जितना भी वेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम इसको ओपन कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर देखेंगे आप इस तरह का, आपको ये इसका बोया का ब्रांड के साथ लिखा हुआ नज़र आएगा एंड इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, फिलहाल मैं इसको पहले साइड में रखता हूँ और देखते हैं और साथ साथ में क्या मिला इसके। तो इसको कर देते हैं साइड। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वारंटी कार्ड मेरे को मिल चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे बोया का ब्रांड स्टिकर आपको मिल जाता है, आप इसको कहीं भी चिपका सकते हैं अपने रूम में या फिर कहीं भी, बोया का ब्रांड है ये। एंड यहाँ पे बोया का आपको मैनुअल मिल जाता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डेट सारा इसमें डिटेल आपको मिल जाएगी, इसमें पढ़ के भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इन सब को कर देते हैं साइड। जो हमारा मेन आता है यहाँ पे, ये जो इन्होंने कैरी करने के लिए जो दे रखा है, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। एंड इसके बाद देखते हैं अंदर क्या क्या ये साथ में देते हैं। तो यहाँ पे हमारे को बोया का एक और सर्टिफिकेट, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, कूपन नहीं है, कुछ है, मतलब बोया का टैग है, टैग आप मान सकते हैं उसको। तो चलिए, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसको साइड करते हैं। तो इसमें हमारे को क्या क्या मिलता है, ये एक माइक्रोफोन मिल जाता है जो कि काफ़ी क्वालिटीज़ की अच्छी है। इसमें आप देख सकते हैं करीब 20 फीट तक इसकी लंबाई है इस वायर की। तो ये 3.5 mm जैक स्मार्टफोन में आपको सपोर्ट करता है एंड साथ में आप इसको DSLR में यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप कैमरा के लिए करेंगे तो ऊपर कर देंगे एंड अगर आपने स्मार्टफोन के लिए यूज़ करना तो इसको नीचे कर देंगे। इसमें एक बैटरी डलती है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको साथ में मिलता है कि सिल्का जेल, ताकि कोई मॉइस्चर वगैरह ना इसमें कोई लग जाए एंड साथ में यहाँ पे आपको इसकी एक्सेसरी मिलती है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बैटरी मिल जाती है जो कि मैं अभी आपको डाल के बताऊँगा इसमें एंड साथ में यहाँ पे आपको एक विंड फॉर्म मिल जाती है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। तो चलिए, इसको भी साइड करता हूँ। साथ में आपको ये एक जैक मिल जाता है, जैसे आपने म्यूजिक सिस्टम जो DJ वगैरह होते हैं उसमें लग जाता है, उसकी उसमें भी यह लग सकता है माइक की तरह। एंड यहाँ पर आपको एक क्लिप मिल जाता है जो कि आपको लगाना है माइक के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो माइक है, आपने इसको इसके साथ यहाँ पे फिट कर देना है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। एंड जो हमारे को विंड फॉर्म मिली है, उसको आप यहाँ पे
इस तरह से लगा सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी तो मेरे को इसकी बहुत ही बढ़िया लगी, काफ़ी अच्छा है क्वालिटी में। बाकी मैं आपको यूज़ करके भी बता दूंगा कैसी इसकी जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देती है। एंड सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, यहाँ पे जो इसमें ये इस तरह से अब जो बना हुआ है, ये एक नॉइज़ कैंसिलेशन रेजिस्टेंस है, इसकी खास बात यही है। एंड यहाँ पे अब आपको सेल डालना है तो आपको पहले ये इसको इस तरह से खोल लेना होगा। एंड यहाँ पे अगर आपको बैटरी डालनी है तो दोस्तों पहले मैं यहाँ से बैटरी निकाल लेता हूँ। तो पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लें कि कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये दिया गया है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसको पहले इसमें बैटरी को डाल दें एंड दोबारा इस तरह से ही आप इसको क्लोज कर दें। एंड अगर आपने स्मार्टफोन से इसको चलाना है तो आप यहां से स्मार्टफोन कर सकते हैं, इसमें बैटरी का यूज़ नहीं होगा। अगर कैमरे DSLR कैमरा में यूज़ करते हैं तो आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ऊपर की तरफ कर देना है। तो अभी फ़िलहाल तो कैमरे से ही यूज़ करना है, स्मार्टफोन से ही। तो वायर तो काफ़ी बड़ी है, आप डिस्टेंस से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कहीं से भी। तो काफ़ी ये मेरे को इसका अच्छा लगा सिस्टम। एंड यहाँ पे बात आती है दोस्तों इसके प्राइस की, तो कम से कम 800 के करीब 750 800 करीब आपको उसका प्राइस पड़ जाएगा। लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इजीली इसको आप परचेज कर पाएंगे। सो आई होप कि दोस्तों वीडियो को कर देना चाहिए ये भी क्लोज। एंड आपको अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मैं कर दूंगा। एंड आप भी इसको परचेज करना चाहते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली परचेज कर पाएंगे। बाकी अभी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इसकी इस माइक की आवाज़ रिकॉर्ड करके कि कैसी आपको इसकी साउंड में फ़र्क नज़र आता है। जो अभी मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरा दूसरा लेवलर माइक है, जो मैंने काफ़ी पुराना खरीदा हुआ था। उसकी वायर भी छोटी थी तो थोड़ी दिक्कत आती थी मेरे को। एंड सस्ता भी था थोड़ा, ये चीप था, 200-250 रुपये का था। तो अभी मैं इसके बाद आपको इस माइक जो बोया एम्बर का माइक है इससे आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊंगा। जो अभी जो आप साउंड अभी सुन रहे हैं जिस माइक की, वो भी एक लेवलर माइक है, लेकिन वो मैंने काफ़ी पहले पुराना परचेज किया हुआ था। एंड आप इस माइक की एंड जो अभी बोया एम्बर माइक है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस देखेंगे। एंड ये मैंने काफ़ी सस्ता लिया था, 200 या 250 रुपये का। एंड इसकी वायर भी काफ़ी छोटी थी तो थोड़ी मुश्किल आती थी। जो अभी बोया एम्बन का माइक है उसकी वायर भी काफ़ी लंबी है, 20 फीट तक है। एंड अभी आप ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस देखना एंड फिर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आपको बेटर लगा। तो अभी दूसरा माइक इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। एंड दोस्तों जो अभी आप सुन रहे हैं वो है बोया का एम्बन माइक, जिससे मैं अभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन से माइक की जो ऑडियो क्वालिटी आपको सबसे बेस्ट लगी, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली परचेज कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड इस वीडियो में बताया गया आप सारा कुछ समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।